आज फिर मैं आपके लिए दो स्टॉक एनालिसिस करके लाया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल में मैंने एनालाइज किया हुआ है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से लेवल के बाद में हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेंगी और कौन से लेवल के बाद में हमें बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो गाइस आज की एक वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, एक टिप देने वाला हूँ जो कि काफ़ी मदद करेंगे आपको ट्रेडिंग के लिए। टिप मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो पूरी देखिए। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं एक बार। पहले निफ्टी का चेक कर लेते हैं। गाइस निफ्टी ओपन हुआ था 11359 पे और हाई बनाया था उसने 11381 का और लो बनाया था 11251 का। ठीक है, कोई अच्छी खास मूवमेंट नहीं थी, मार्केट पूरा ही रेंज बाउंड चल रहा था आज। ठीक है, तो अपन बैंक निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 23036 पे और उसने हाई बनाया था 23109 का और लो बनाया था 22716 का। सेम गाइस कोई मूवमेंट नहीं थी, ना ज़्यादा बियरिश मूवमेंट थी ना बुलिश मूवमेंट थी, आज मार्केट एकदम रेंज बाउंड चल रहा था। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस। तो एक बार हमारे प्रीवियस स्टॉक के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो पहले आईशेयर मोटर चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि आईशेयर मोटर ओपन हुआ था 2205 पे और उसने हाई बनाया था 2215 का और उसने लो बनाया था 2156 का। काफ़ी अच्छी बेयरिश मूवमेंट देखने को मिली, हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, और ऐसे ही अपन एक बार स्कॉट का चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं कि स्कॉट ओपन हुआ था 1193 पे और उसने हाई बनाया था 1213 का और उसने लो बनाया था 1135 का। तो काफी ही अच्छी बेयरिश मूवमेंट देखने को मिली हमें स्कॉट स्टॉक में और हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस स्टॉक का परफॉर्मेंस। तो इसी तरह मैं आपके लिए मंडे के लिए भी दो स्टॉक लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन से लेवल के बाद में हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेंगी और कौन से लेवल के बाद हमें बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने माइंड्री मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जो काफ़ी अच्छे लेवल पे है, जैसे मैंने आपको बाइंग लेवल और एक शॉर्ट सेल लेवल प्रोवाइड की हुई है। तो चलिए चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो गाइस मैं पहले बता दूं आपको कि बुलिश और बियरिश का मतलब क्या है। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाना और बियरिश मतलब मार्केट नीचे आना। ठीक है, तो हम माइंडट्री की हमारी बाइंग लेवल देख लेते हैं एक बार। हमारी बाइंग लेवल है 1210, तो हम एक बार 1210 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं और एक इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन हम शॉर्ट सेल लेवल पे बना लेते हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट सेल लेवल देख लेते हैं। हमारी शॉर्ट सेल लेवल है 1197। गाइस ये काफी हेल्प करती है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये जो हमारा बीच में का है ना, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना है। अगर हमारी बाइंग लेवल को क्रॉस कर देता है ये, तो हमें बाइंग के लिए जाना है, और अगर ये हमारे शॉर्ट सेल लेवल को क्रॉस कर देता है तो हमें शॉर्ट सेल करना है स्टॉक को। ठीक है, तो यहाँ हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बुलिश मतलब ऊपर। ठीक है, और ये जब क्रॉस होता है शॉर्ट सेल लेवल तो हमें बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बियरिश मूवमेंट मतलब नीचे। ठीक है, स्टॉक नीचे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टॉक, तो इसी तरह हम दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। हमारा सेकंड स्टॉक है टीवीएस मोटर, जिसमें मैंने बाइंग लेवल और एक शॉर्ट सेल लेवल प्रोवाइड किए। ठीक है, तो चलिए इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके सामने टीवीएस मोटर का चार्ट है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे बाइंग लेवल और शॉर्ट सेल लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। ठीक है, तो एक पहले हम अपनी बाइंग लेवल देख लेते हैं। हमारी बाइंग लेवल है 443।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 4 3 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। और हमारी शॉर्ट सेलिंग लेवल देख लेते हैं एक बार, हमारी शॉर्ट सेल लेवल है 435, तो हमें एक 435 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। तो गाइस यहाँ ये, एक मिनट, ये और ये है हमारे लेवल्स, ठीक है। और ये जो है बीच में का, ये देख रहे हो आप लाइंस, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ हमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हमें वेट करना है कि हमारे ब्रेकआउट्स का, अगर हमारे बाइंग लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें बाइंग लेवल में जाना है और हमें काफी बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये हमारे शॉर्ट सेल लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द शॉर्ट सेल, तो हमें काफी बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। गाइस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पे सिर्फ वेट करना है अपने ब्रेकआउट्स का, चाहे वो बाइंग लेवल का हो चाहे वो शॉर्ट सेल लेवल का हो, ठीक है। तो यही दो स्टॉक थे गाइस जो मुझे आपके साथ में शेयर करने थे। और मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और फिर ट्रेड करें। तो गाइज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, तो गाइज ये टिप सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनर्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए ये टिप नहीं है। तो गाइज हम क्या करते हैं कि जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है 9:15 को, ठीक है। तो गाइज मार्केट ओपन होते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, 20 से 25 मिनट के बाद में हमें ट्रेड लेना है, या अगर मैं बोलूँ तो आफ्टर 9:30 आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके पहले ट्रेड में मत घुसो, आप घुसोगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो गाइज अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक करो और जाके फॉलो करो। और गाइज अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं स्टॉक एनालिसिस का अपडेट देते रहता हूँ। तो जाओ और क्लिक करो और ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, बस आपको जाके लिंक पे क्लिक करना है और ज्वाइन करना है। और गाइज अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा या अपस्टॉक पे अकाउंट खोल सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको बस करना क्या है, जाके लिंक पे क्लिक करना है और जो स्टेप्स आए उसको फॉलो करना है और बड़े आसानी से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो, और कमेंट जरूर करना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर बनाता हूँ और फिर आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।